भाई आज ना मेरे को बात करनी है बहनचो एटिकेट के बारे में, क्योंकि ना मेरी है जनता ऐसी वाली जिनको देख के ना, मतलब मैं मिलता हूँ कभी भी बात होती है तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, मतलब कि हाँ, मतलब एटिकेट्स और इन सब के बारे में बात करी जा सकती है ना, कि मतलब अगर आप पब्लिक में जा रहे हो, बात बात कर रहे हो दूसरों से तो कैसे करते हैं। मैं ना मतलब अभी रिसेंटली एक पार्टी वार्टी में गया था, वहां पे ना एक तो होता है आपका एक फ्रेंड ग्रुप जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से बात बात करते हो, जेल करते हो, और फिर मतलब म्यूचुअल्स आ जाते हैं तो यूर लाइक कि हाँ ठीक है, हेलो हाय सब कुछ सही, यस यस, एक लेवल ऑफ वो वेलकमनेस कि आप वेलकमिंग हो, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बताऊं क्या आता है, फिर आते हैं पार्टी में वो तुम्हारे तीन चार गलीच दोस्त, बिल्कुल गलीच, जिनका ना जिंदगी में मोटो बताऊं क्या है, हम ऐसे ही हैं भाई, भाई हम ऐसे ही हैं, इनका पूरा टाइम यही चल रहा होता है भाई पार्टी में, बस आते हैं गलीच हरकत, आते ही घुसते ही गलीच हरकत भाई, गलीच हरकत, पार्टी में घुसे और भैन की जू भाई समय गंदे लागे से। बस गलियाना बकवास बातें करना, कि मतलब एक वो होता है ना पार्टी में तुम बैठे हो, पांच छह लोग हैं, सारे के सारे सात आठ बहुत सारे लोग हैं भाई, दस पंद्रह लोग हैं, सब बात बात कर रहे हैं, कुछ तीन चार लड़के होते हैं वो पूरे इतने गलीच, उनका मकसद यही होता है इस पार्टी में ना, गलीच होने की आइडेंटिटी कहीं नहीं दिख रही और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम। डिफाइन गलीच भाई, गलीच बताऊं क्या होता है, ऐसे लोग जिन्होंने दसवीं के बाद किताब खोली उनके सर में दर्द हुआ, कोई किताब कोई गलती से पकड़ा दे ये बोलते हैं भैनचोद सही है, अब तो कबाड़ से भैनचोद सुट्टे आएंगे, अब तो कबाड़ के पैसे से सुट्टे आएंगे, ये होता है गलीच पार्टी में भाई। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं अभी रिसेंटली एक पार्टी में गया था, मेरे दोस्त की बंदी आई थी, ठीक है, सारे जाके बोल रहे हेलो हेलो सब सही हाँ बढ़िया, हेलो हाय हाय सब ने करी, वो तीन चार ऐसे है ना गलीच नहीं करी बात भाई, मेरे दोस्त को थोड़ा ऑफ लगा भाई, कि मतलब अब बंदी आई है उसको ऐसा फील हो रहा है कि एम आई नॉट अलाउड, एम आई नॉट वेलकम हियर, वो वाली चीज तो आती है ना, यू शुड ग्रीट, इनकी चीज बताऊं क्या आई, तो भैंचो उसने बोली हमसे हैं, पूरे टाइम यही, पूरे टाइम हमसे कही इन्होंने, हम भी तो बैठे थे, लॉजिक है भाई, नॉट टू जस्ट डिसएग्री फॉर द सेक ऑफ डिसएग्रीमेंट, लॉजिक है, लड़की से ही जाके तुम्हें क्यों हाय बोलना, लड़की भी तुम्हें हाय बोल सकती है, उसको किसने रोका हुआ है क्या, सो आई अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वी डोंट हैव टू क्रिटिसाइज देम सेंसलेसली पॉइंटलेसली, अनलेस हम वो ले रहे हैं कि यहाँ पे हम सबका कर्तव्य बनता है इन कलेक्टिविस्ट वे, कि हर लड़के को जब भी लड़की थी तो हमें बैठ के जाके उनको प्रणाम या नमस्ते बोलना है, काहे के लिए बोलना है भाई, उसको बोलना होगा, बोल लेगी आके भाई मेरा मन है। अब अगर तुम किसी भी पार्टी में जाते हो इतने डिफरेंट पैरेलल यूनिवर्स या फिर पैरेलल पार्टी में, लड़के का दोस्त आया दोस्त, तो क्या हम सारे जाके उसके दोस्त को हाय बोलते हैं, सबको बोलना होता है, नहीं बोलना होता भाई, इसको बोलना होगा दोस्त आके खुद इंट्रोड्यूस कर देगा, 50% लोग में भी इंट्रोड्यूस करेंगे, 50% में भी लोग इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे भाई, अपने अपने पे डिपेंड करता है भाई, अब इंसान नहीं मूड तो उसको जबरदस्ती, और लड़के अगर ये फील करी तो भाई वो लड़की की प्रॉब्लम है। आई मीन इन द बिगिनिंग यू सेड कि बाकी कितने जो सोशल फ्रेंड्स थे या फिर जिनका इंटरेस्ट है या फिर जिनका मन है जानने का, पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन नोइंग द पर्सन वेंट फॉर्थ एंड वर लाइक हेलो हम जानना चाहते हैं तुम्हें। सिमिलरली कुछ लोग थे कि मेरा इंटरेस्ट में भी इस पर्टिकुलर आउट ऑफ दिस फाइव लोगों से नहीं है हाय करने का, मेरा इधर है, मैं इसको जानता हूँ, उसके साथ बैठना चाहता हूँ, तो यू नो डेमोक्रेसी ब्रो, लिबर्टेरियनिज्म, लेट पर्सन बी। तू पूरे टाइम पार्टी में बस अपने आप बनने आया क्या, कुछ बताने आया क्या कि मैं कुछ हूँ, तो आता ही मत, बन लेता घर पे बैठ के, हम तो ऐसे ही है, वहीं पर ही होता है ऐसे, आया क्यों, पागल है भाई, genuinely भाई, हमको ये पार्टी कम और कम्युनिस्ट पार्टी ज्यादा लग रही है कि सबको एक ही तरह बिहेव करना है। भाई, I'm not lying. If you have insecurities, if you have issues socializing with other people, work on it. Why do you have to be so stubborn? नहीं भाई, कौन है? अरे हल, अबे चल, ऐसकी, तीन चार दोस्तों का ये ग्रुप बना लेंगे और उसमें बस ये एक सोशलाइजिंग हो तो गई ना, अगर तीन चार लोग का ग्रुप है तो उनकी मे बी सोशलाइजिंग प्रॉब्लम नहीं है। को चेंबर बना लेंगे, एक दूसरे का लंट पकड़ो, तो यार दोस्ती तो यही होती है दी एंड, तीन चार लोग दोस्त बन सकते हैं तो दुनिया में 25 लोगों से परफेक्शन या उसी इंटेंसिटी में दोस्त थोड़ी सकते हो। दोस्त का होल पॉइंट ही होता है कि तुम्हारी जो भी कंपैटिबिलिटी या जिससे भी सीन ज्यादा बैठता है बढ़िया, तुम उस एक क्लस्टर फॉर्म करते हो, तो ह्यूमन साइकोलॉजी होगी, ग्रुप साइकोलॉजी होती है, फिर आपस में हम उस क्लस्टर में करते हैं। इनसे ना तुम बैठो, ये बताओ पार्टियों की वाइब कैसे चोतते हैं हर तरीके से,
इनका बस एक पॉइंट होता है, पार्टी को ना पार्टी में हमारे बारे में कहर मत जाएं, हम आए हैं पार्टी। ये आगे तुम बात, अब ये इनसिक्योर वाली बात हो गई। यहाँ पे वो इंसान हो गए जो कि अटेंशन की तरह भूखा है कि हम अगर कहीं भी जगह पे आए हैं तो विल मेक श्योर कि हम कितना टर्बुलेंस और या फिर डिस्ट्रप्शन या डिस्टर्बेंस कॉज करें कि सब हमें नोटिस करें। तो कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ भी चल रहा है सीन, अभी तक मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा था बट नाउ अंडरस्टैंड कि वो चार लोग आए तो अगर 20 लोग बैठे या 15 लोग भी या फिर कुछ स्ट्रेंजर्स बैठे तो वहां पे जाकर मुझे चिल्ला के बात करेंगे, उनकी वॉइस बहुत लाउड होगी, हंसेंगे। मतलब उनको ये चीज दिखाना है चार लोगों की हम यहाँ हैं, हम पे फोकस अटेंशन होनी चाहिए। मतलब थोड़ी सी ये चीज आई अंडरस्टैंड नाउ, आई गेट इट। सारे लोग ऐसे हो जाएं, अबे यार ये क्या हो रहा है, डर डर फैलाओ, किसी आदमी को कुछ समझ नहीं हो रहा आसपास, कह रहा डर फैलाओ। यहाँ पे डर फैलाते हैं हम, थोड़ा माहौल ऐसा कर देते हैं कि लोग सहम जाएं जंगली पना करके। फिर लोग ना ये यही होते हैं, फिर उसके बाद ना इनको अजीब लगता है, भाई उस पार्टी में उस लड़की को मैंने फॉलो किया, उसने तो फॉलो बैक नहीं किया, पागल है भाई, रंडी है वो भाई। आई डोंट नो, ऐसे अगर ऐसा अगर आपके दोस्ती वोस्ती में लोग हैं अगर ऐसी बातें करते हैं देन मे बी यू शुड रीथिंक। आई रंडी ये करते हैं फिर। अबे तू पार्टी में जाके कर क्या क्या आया ये भी तो बता, हर 5 मिनट में सिस्टम सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर ले कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई माहौल भी तो देखना, कौन है आसपास, क्या है। आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाट ही सेज, ही इज मीनिंग, स्टार्टिंग में समझ नहीं पाया, नाउ आई गेट इट, आई हैव या चल रहा है। हर जगह को भाइयों का अड्डा नहीं बनाना होता, मतलब मैं बोलता हूँ भाई ठीक है भाई, मैं स्केयर द होज अवे म्यूजिक बनाता हूँ, बट जो भी मेरा ये ऑनलाइन परसोना है ना उसके चक्कर में बताऊँ क्या, जो भी बहुत सारे लोग मेरे जो दोस्त बने हैं ना उनको लगता है अर्पित असल में भी ऐसा है, तो मेरे ना बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं वो मेरे से बात करते हैं वो ऐसे ही रहते हैं मेरे साथ में, और मैं हो जाता हूँ धुत अनकम्फर्टेबल। फिर ना ये बताऊँ क्या हो जाता है, फिर ये 3-4 बार ही ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे ही हैं, फिर 6 महीने बाद ये भैंच इनको कोई बुलाता ही नहीं है, फिर इनके वही या यही होगा एक्चुअल में। ये बहुत ही सेंसिबल और एक्चुअल में बहुत ही तुम जो बात कर रहे हो बहुत ट्रू बात कर रहे हो, तुम्हारे ग्रुप बिहेवियर में तुम्हें चीज दिखती है। अगर तुम अगर आके ये जो हमारे को माचो मैन फिलोसफीज कही जाती है ना, ये मर्द बनो बट इन द सेंस ऐसे बनो कि तुम्हारा लंड लौड़ा लहसुन और तुम यू नो, तुम अगर किसी भी ग्रुप में हो तो हम लोग ये लोग समझते नहीं बात कि ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जब लोग एक दूसरे से ट्रस्ट कर पा रहे हैं और एक दूसरे के पास वो फील कर रहे हैं कंफर्टेबल, और ग्रुप एनी फकिंग डे इंडिविजुअल को क्रश कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें सिंपल हम एवोल्यूशनरली हम जिए कैसे हैं, ग्रुप्स में रहे तभी हम जी पाए, तो हमारा एक अंदर ही अंदर आत्मा में पर्पस है कि हमें ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, और तब तो जब कोई इंसान ये बकायती या बकचोदी में आ जाता है और दोनों लोग अपने किसी ग्रुप की वो माँ चोदने लग जाता है, तुम ऐसे काम करो ऐसे लोग बोल रहे हैं तुम्हें पता नहीं लोग कब तुम्हें ऑस्ट्रसाइज कर देंगे, विदाउट इवन रियलाइजिंग एक डेमोक्रेटिकली वोट होगा, वो तुम्हें खटाने लग जाएंगे, तुमसे निकलने लग जाएंगे। अरे भाई हमें तो भूल गए, अबे हमें तो भूल गए तुम लोग, अबे बहनचोद तुम क्यों याद करोगे अब हमें। हाँ नहीं करेंगे भाई, लास्ट टाइम तुझे बुलाया था कमरे में बहनचोद, 1 घंटे तक लगातार सिस्टम चिल्लाया तू कसम से भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आता भाई कैसी पार्टियां चल रही हैं भाई इन लड़कों के दिमाग में, ये आते हैं और उसके बाद बताओ क्या होता है, बैठे रहते हैं सब सही अच्छा चल रहा है भाई। देखो बहुत सारे अननोन लोग हैं, माहौल थोड़ा वो है अजीब है, तो ऐसी कॉन्वर्सेशन किया करो जिसमें सारे इंक्लूडेड हो। भाई तुझे पता है लोकेश, हाँ उसने दुकान खोल ली, अरे बहनचोद मैंने भी पैसे जोड़ लिए भाई उसके साथ में, हम दोनों बैठ रहे हैं। दिस इज वेरी एक्यूरेट, दिस इज एक्चुअली ब्रूटल, सो आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा कि ये इसने पहले लाइव में पूरी परफॉर्मेंस दी है उसके बाद इसने इसको कट किया है इस वक्त जो एडिट है ये, बट अगर इसने लाइव में दी है वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी एक्यूरेट, एंड अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं है तो वेरी गुड कॉमेडी एक्चुअली, बंदे को एक्चुअली स्टैंड अप टैलेंट है लौंडे के पास भाई आजकल, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, बट माहौल देखना कितने सारे लोग हैं, कौन है लोकेश किसी को नहीं पता, अजीब ही लगेगा, फिर बोले अच्छी बात है, और फिर जैसी इनको बोल देते अच्छी बात है बहनचोद, जैसी कॉन्वर्सेशन खत्म हुई भाई तू ना बदल गया भाई, तू इन लोगों के सामने बदल जाता है भाई। मैं क्या बदलाऊ, मैं देख के तो बोल क्या है, कौन है आसपास, कौन बैठा है, ऐसी कुछ भी बोल देगा। कमरे में लड़कियां बैठी हैं, बाय गॉड लड़कियां बैठी हैं, इनमें से एक लड़का हमेशा होता है भाई एंड्रू टेट है भाई, भाई कसम से कह रहा हूं भाई अर्पित तू भी गंजा हो रहा पर ये गंजा समझदार हो रहा है। फिर वहां पे एक लड़की हो जाती है ऐसी कि व्हाट डू यू मीन, वो इंग्लिश में बोलने लग जाती है इनके साथ में, और इनका दिमाग अरे इसको चुप करा ले भाई, ये तो सर पे चढ़ गई भाई, ये तो ऐसी हो गई भाई, ये तो हो गई भाई, क्यों
भाई कसम से यार, मैं आई वुड रैदर बी विद इंट्रोवर्टेड पीपल इन अ पार्टी दैट एटलीस्ट नो हाउ टू टॉक भाई, अच्छे से बात कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कि मतलब बूजी लोगों की तरह एक्ट करो, नहीं, बी नॉर्मल। हेलो भाई कैसे हो, बढ़िया सब चल रहा है? हाँ, व्हाट ही सेइंग इज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। तुम जिस रूम में हो, रीड द फकिंग रूम, और मे बी तुम्हारे अंदर कितना भी फट रहा हो, पटाखे फट रहे हो, सर के ऊपर चंद्रमुखी खिल रहा हो, तुम यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। रीड द फकिंग रूम। एंड अगर तुम्हारे को हो रहा है कि मेरे को सब लोग जाने, या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि मुझे कोई नहीं जानता तो मैं जानबूझ के लैश आउट करूंगा, ओवर कॉम्पेंसेट करूंगा, दोनों चीज़ों को कहो, थोड़ा सा दूर हो जाओ, मे बी चिल द फक आउट एंड यू डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दैट। मे बी जस्ट ब्रीद, स्टे, नॉट योर हेड, स्माइल, जिससे बात करनी हो कहो, लिसन टू पीपल एंड एंगेज इन कॉन्वर्सेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसने जो बात की, एक डेमोक्रेटिक कॉन्वर्सेशन करो जो कि लोकेश से लेने देना नहीं है, जिसको कोई भी नहीं जानता। मे बी टॉक अबाउट समथिंग जो कि करंट है, चल रहा है, जिस पर हर कोई इंसान लाइट वे में ओपिनियन दे भी पाएगा, एंड दैट मे टेक द थिंग टू अ कॉन्वर्सेशन जो कि सब कर सकते हैं। हाँ, क्या चल रहा है भाई, थोड़ी कैजुअल कॉन्वर्सेशन, नॉर्मल, सब इंक्लूडेड फील हो, किसी को ऐसे आउट ऑफ प्लेस मत फील करने दिया करो भाई। ये आते हैं बोलते हैं भैंचोद पार्टी चल रही है अलग, हमारी पार्टी अलग। आई गेट इट नाउ। बाकी सारे लोग बाहर बैठे हैं, ये तीन चार लड़के अपना एक भैंचो अपनी दारू अलग से लाए, अपने हमारे ग्लास लेके उसमें पैक बना रहे हैं और ऐसे बताते हैं, अबे ये तो हमारी है भाई, ये वो तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है एक्चुअल में, बिलीव इट और नॉट। ये जो भी कर रहे हैं ये जानबूझ के किसी भी जगह पे आके एक्चुअल में वो उनको पता भी नहीं है, बट ये दे विल सीक आउट थिंग्स कि हम क्या कर सकते हैं इस जगह पे जो कि हमको अलग पिच या पिट कर देगा, जिससे फिर हमें बाकी लोग देखेंगे और हम इनसे अलग हो जाते हैं। वो लिटरली सोचेंगे इस भाव से, ये नहीं कि हम इंक्लूड करें अपने आपको, यू नो, या फिर सोशलाइज करें, या फिर लेट्स से कभी कभी होता है तुम किसी जगह पे हो एंड दैट प्लेस जेन्युइनली इज अ डड, है ही नहीं, इतना कुछ हैपनिंग हो ही नहीं रहा वहाँ पे, एंड इट्स ओके। लेकिन बात ये होती है ना, इंसान की फट जाती है एक्चुअली, हमारे सोशल स्किल्स होते हैं और हमारा जो अपना सेल्फ, आई थिंक इसमें वर्ड हुआ एनहांसमेंट, नहीं, आई मीन इंसान का, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड नार्सिसिज्म, बट सेल्फ असेसमेंट इंसान का इतना हाई है, लेट्स से इंसान अपने आपको पता नहीं क्या 30 मार्क कहाँ समझता है, कि वो ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि यू नो हम किसी रूम में आए और अगर चीज़ डड चल रही है और मैं नोटिस ना हूँ, तो फिर वो सब वो दो तीन लोगों को लेगा, फिर वो यही होगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने में कोने में, जिससे कि हम वो जो अटेंशन मुझे चाहिए वो मिल जाए, क्योंकि मैं 30 मार्क खाऊँ अपने दिमाग में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं 30 मार्क खाने वाली चीज़ करूँ ही नहीं। हमारी है तो भोसड़ी, क्या मिक्सर हमारे क्यों ले रहा है भाई, बर्फ मंगा दे क्यों, क्या बकचोदी है भाई। बैठे रहते हैं चार लड़कों का ग्रुप बना के और उसके बाद एक से एक गलीच बात, और ऐसी वैसी भी गलीच बात नहीं, जो लोग पार्टी में उन्हीं के बारे में, देखियो क्या कर रहा, देखियो क्या कर रहा, देखियो क्या कर रहा, अबे देखियो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, अबे गलीच पीपल व्हेन नो सिस्टम नाउ व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। भाई देखो मेरे हिसाब से ना गाने वाने ऐसे बजने चाहिए जिसपे सारे वाइब करें, है ना, मानते हो कि नहीं। ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि भाई पूरे टाइम इंग्लिश बजा रहे, भाई सिर्फ ट्रैविस 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 बज रहा है, फिर हीट आ गया, फिर भैंचो ऐसे गाने जो सुन जिनको सुनने के लिए तुम्हारे को लगता है कि भैंचो मेरे को ना इंग्लिश में भी मतलब दो चार चीज़ें और सीखनी चाहिए, जैसे ट्विटर पे बात करते हैं वो सब आना चाहिए, तब जाके ये सब सुन, नहीं सुनना, वो भी नहीं सुनना चाहिए, वो भी बेकार लगता है, किसी और ने सुना ही नहीं है, ऐसे गाने बजा रहा है, हाँ मुझे अच्छा लगता भाई ये सुनने में। भैंचो पूरे टाइम बैठे हैं, पूरे टाइम बैठे हैं, ये पता नहीं कौन से गाने बजा रहा है भाई, एक से एक गलीच गाना, एक से एक गलीच गाना, और रुक ही नहीं रहा। गंदे इलाके से भाई, तेरा गंदे इलाके से एप 17 बज रहा है भाई पिछले आधे घंटे से, कौन है एप 17 गंदे इलाके से, क्या है ये, आधे घंटे तक गंदे इलाके से, भाई अजीब लग रहा है भाई, हमें दिखता नहीं है, नहीं हम तो ऐसे ही भाई, हम तो यही से क्या होता है, तुम्हारा इंसान जो आउट ऑफ पोलाइटनेस जो ग्रुप है वो एक्चुअल में बोल भी नहीं रहा था, क्योंकि लोगों को ऑफेंड नहीं करना, लोग नहीं चाहते यार, पीपल सी कि तुम्हें पसंद है, अभी तुम इतनी कसके बजा रहे, तो लोग क्योंकि तुम्हें जानते ही नहीं, तो प्रॉक्सिमिटी भी नहीं है, ना ही इंटीमेसी इस लेवल की, हम तुमसे बोल पाए क्या बजा रहा है भोसड़ी, कुछ चेंज करना भाई ये बजाना, तो उसके लिए तुम्हें एक सिमिलर टाइप लौंडा चाहिए जो कहता है अच्छा भाई सुन लिया भाई, हा ब्रेक करते हैं इस चीज़ को, कुछ और प्ले करते हैं, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वरना लोग जो हल्के से भी इनहिबिटेड होते हैं उनको हो जाता है कि अब हमारे ये भी गाना होता था नहीं, इंसान को बोलें भाई यार कैन यू स्टॉप, या फिर भाई कुछ और चला दे यार, क्योंकि लोग लगता है यार भाई ऑफेंड ऑफेंड ना हो जाए इसको, याद कर रहा है लेट दिस पर्सन डू समथिंग, एंड वो काफी ऑकवर्ड होता है, आई रियलाइज नाउ व्हाट ही इज सेइंग, इट्स वेरी ऑकवर्ड, सुनते तुम्हें पता नहीं है, अबे नहीं पता तभी तो बोल रहे बदल, पागल है क्या, गाने वाने चल रहे होंगे एकदम से फोन उठाएंगे और भाई लगा देंगे कृष्णा का डिस लगा देंगे एमीवे पे, और भैंसे जाके नाच रहे हैं बीच पे, एमीवे को गाली दे रहे हैं, और
सारे लोग ठीक है भाई अब क्या करें, हाँ मतलब हाँ फक कैमी वे भाई, फक कैमी वे कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई अभी तक बढ़िया तो चल ही रहा था ना, लोग वाइब कर रहे थे, अब इस पे मैं क्या वाइब करूं, मुझे तो लिरिक्स पता ही नहीं है। नो तेरा टेस्ट खराब है, अब भौसड़ी क्या पार्टी करने के लिए टेस्ट चाहिए क्या गानों में, पढ़ा ही नहीं है, बात ही नहीं करी है किसी से, मतलब मिले ही नहीं है भाई। इट्स लाइक स्कूल के बाद इन्होंने ढूंढ लिए तीन चार लड़के अपने गली के और एक गली के लड़के का मामा का लड़का, बस डिस्टेंट जो बात हुई है किसी से वो बस वो मामा का लड़का है उसके, जो बनारस से आता है वो शांत रहता है बिल्कुल। हाँ भाई हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इनको बढ़ावा देता है और इनमें ना फिर कोई बात आ जाती है, 6-8 साल से जानते हैं एक दूसरे को और इनका ना बस एक ही मौका होता है, भाई तू मेरे गलीचपने को बढ़ावा दियो, मैं तेरे गलीचपने को बढ़ावा दूंगा, जिससे कि आउट ऑफ प्लेस ना फील हो। भाई सही में कह रहा हूँ, ये बंदे ऐसे होते हैं कि अगर इनके ग्रुप से अगर कोई लड़का किसी लड़की से जाके पार्टी में ऐसे हाँ जी आपको पानी चाहिए या फिर कुछ ऐसे बोल दें, बना लिए नंबर है, नंबर बना लिए बना लिए नंबर, इन लोगों के साथ नहीं हो पाता भाई, नहीं कर सकते तुम बात, सही में कह रहा हूँ। और पार्टियों में ना सही बता रहा हूँ, तुम्हारे को लगता है ना कि नहीं भाई वी कीप इट रियल, नहीं तुम्हारे ग्रुप का ना नाम रख देते हैं पार्टी में, लिजर्ड गैंग, लिजर्ड आ गए भाइयों, छिपकली छिपकली गैंग आ गई है भाई। आर यू ओके भाई, आर यू पिस्ड ऑफ, नहीं भाई आई एम नॉट फकिंग पिस्ड ऑफ। ये ना एक मैं सही बताऊं ना, एमटीवी हसल के बाद पैराडॉक्स ने ऐसे गाने निकाल दिए, छोरे एनसीआर वाले रोम रोम, भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे गानों का ना गलत इस्तेमाल हो रहा है, इतने अच्छे गाने बना के दिए कि भाई पार्टी मचो भाई, इन पे नाचो मौश पिटो, बट ऐसे गानों का ना गलत इस्तेमाल हो रहा है भाई। कलेश छोरी इतना बढ़िया गाना है भाई, मतलब गाड़ी भागती है ना उस पे तो मजा आता है, नहीं उस पे भी उसका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। रैपर है हरजस, वो बार के लिए बोल रहा है हम रैप करते हैं हम नहीं करते, और भाई पार्टी में बैठे वो गाना बजाया उसके बाद उसी में नहीं करते मतलब तुम ऐसे करते हो ना तभी ना, मतलब अगर हरजस देख ले, हरजस भाई अगर ये देख ले वो भी सोचेंगे यार शिट मे बी आई शुड बी मोर इन टू R&B नाउ। और मैं ना मतलब मैं ये नहीं बता रहा बोल रहा हूँ कि मतलब अगर आप किसी ऐसे घर से आते हो, ऐसे हाउस होल्ड से आते हो जहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत होता है इशू पैसे वैसे का, तो आप लोग नॉर्मल नहीं हो या फिर आप लोग गलीच हो, या मैं वो नहीं कह रहा हूँ, एक ना आप सोशल सेटिंग्स में जाते हो कुछ भी करने जाते हो एक तरीका होता है, एक तहजीब होती है बात करने की, हर जगह जाके आप बॉयज लॉकर रूम नहीं खोल सकते कसम से भाई। वेरी गुड डिस्टिंक्शन, दिस इज अ वेरी गुड डिस्टिंक्शन, इट्स लाइक अमेजिंग, मेरे को तो बहुत बढ़िया वीडियो लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ये जो डिस्टिंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम बहुत बड़े हरामी मदरचोद जैसे ये बात कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि ऐसा होने में कोई प्रॉब्लम है, तुम हो सकते हो जब अपने लॉन्डर के साथ बैठे हो, कोई नहीं रोक रहा, बट मे बी तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी तुम लाओ कि अगर मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि मैं रूम के हिसाब से स्विच कर पाऊँ, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोशल स्किल्स में, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे को जिंदगी में जो एक्चुअल में, अगर देखो भाई तुम तीन जो तुम्हारे दोस्त हैं वो तुम्हारा कंफर्ट जोन हो गया, जिंदगी के बाहर जो भी कुछ उखाड़ोगे जो भी कुछ मिलेगा जो भी कुछ करना होगा नेटवर्किंग से लेके तुम्हारे जितने भी तुम्हारे को प्रमोशन से लेके आई डोंट नो, एक दिन तो बड़े होगे ना जॉब वॉब में घुसोगे ना किसी कल्चर में जाओगे, वहां तो हमें फोर्सफुली अडेप्ट करना पड़ेगा, नौकरी से निकाल दे जाओगे, ये जितनी भी बातें कर वहां तो तुम कर ही नहीं सकते, तो तुम वहां पे फोर्स्ड हो रहे हो, फिर यहां तो तुम वहां पे आइसोलेट हो जाओगे, तुम्हारे स्किल्स की वजह से तुम्हारी नेटवर्किंग की लैकिंग की वजह से तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर तुम्हें तब समझ आएगा कि हाँ भाई ये जो सोशल एनवायरनमेंट है इस वो तुम्हें फोर्स करवा के तुम्हें चेंज करवाएगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा तुम्हें चेंज होने में। पॉइंट ये है कि तुम्हें एक सिंपल सा डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना है कि भाई जितने भी लॉन्डे हैं, आई एम प्रीटी श्योर हमारे दुनिया में कोई ऐसा लॉन्डा नहीं जिसने वो लॉन्डो वाली दोस्ती नहीं देखी, एंड इट्स ओके, इट्स अ ग्रेट फकिंग फ्रेंडशिप, तुम अपने लॉन्डो साथ बैठो, जस्ट देन डू द स्टूपिड शिट, जितने भी घटिया घिनौने जो भी जोक्स हो सकते हैं क्रैक करो। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं आज भी अगर मैं बात बात करता हूँ भाई हमारे अगर जोक्स सुन ले कोई तो कान से लिटरली खून आ जाएगा इंसान के, तुम ऐसे जोक्स क्रैक कर रहे होते हैं, मेरे को समय भी जब भी कॉल करता है मैं समय तक की बात कर रहा हूँ, हमारे जोक्स अगर सुन लोगे इतने घिनौने मतलब जो हम कभी लाइफ स्ट्रीम में सोच भी नहीं सकते 1% क्रैक करना, एंड दैट्स माई पॉइंट। एंड अगर हमारी लाइफ स्ट्रीम में देखो तो वो ऑलरेडी बहुत तुम्हें लगेगा हार्ड है, वो कुछ हार्ड नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम अपनी सोशल सेटिंग चेंज करते हैं तो हम उस रूम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर लेते, लाइक व्हेन देयर आर मोर पीपल मे बी देन यू नो जस्ट से कि ठीक है ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, मेरे को शहनशाह नहीं बनना हर जगह का, मे बी जस्ट सिट, मे बी इंट्रोड्यूस क्यूरियोसिटी, एंड ये बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, मे बी देखो कि मैं बहुत मदरचोद हूँ हरामी हूँ चलो बाबा बाबा चलो ये मेरी बारे में बात हो गई, अब मे बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन लेट्स फेमिलियराइज माई सेल्फ विद ये नए जो लोग हैं यार, देखते हैं ना कौन है, आप कौन हो, आपको अंग्रेजी नहीं आती, माँ चुदा अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं, बोल दो साफ साफ, शर्म आए अपने आप पे चार बार बोल दो मैं शर्माऊंगा नहीं इस चीज़ पे, मैं बेशर्म फील नहीं करूंगा, जाके जब बैठो सिंपल बोलो हेलो,
और लोग इंग्लिश में बात करोगे यार मेरे को तो नहीं आती. जब कोई हम्बल और कॉन्फिडेंस है, ह्यूमिलिटी और कॉन्फिडेंस अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ले ना, लोग को माइंड नहीं करते, और वो माइंड कर रहा था वो उसकी प्रॉब्लम है. लेकिन अगर तुम बात कर सकते हो कि तमीज से, जो बात से कही तहजीब से, लिहाजे से, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग पसंद करेंगे तुम्हें. कि मैं कितनी लड़कियों ने अपनी लाइफ में सुना कि यू नो ऐसा है कि कोई लाइक वो मे बी उससे इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन ना हो किसी लड़की से, लड़के से, बट वो रिस्पेक्ट करती हैं उसकी कि हाँ ये लड़का अच्छा है. कितनी बार सुन रहे हो तुम कि हाँ ये तमीज से बात करता है, वैल्यूज़ हैं, जो भी है. मतलब तुम अपने ज़्यादा फालतू बाहर जाके मतलब कुछ ऐसा दिखाओ ही मत, प्रकट मत करो जिसका तुम्हें अभी अनुमान नहीं है कि कैसे असेसमेंट ड्रॉ करेगा सामने वाला. डोंट शो योर कार्ड्स. ये जो बात कर रहा है ना गलीच वाली बात, ये कि इंसान बैठ के विलफुली घटिया से घटिया इंप्रेशन दे दे रहा लोगों को. अ क्लेवर पर्सन हाइड्स ऑल देयर कार्ड्स, दे रिवील देम जब मौके पे चौका मारना होता है. तो इक्का तब दिखाओ जब जरूरत हो, उससे पहले गायब रहो रूम में, मिलो सबसे, बात करो धीरे धीरे, अपनी अपनी बनाओ सबसे, और जब किसी की जरूरत पड़ेगी तब मारो हाथ. खेलना तब होता है ना. तुम हरामी हो तो अगर तुम पहली दुनिया को आके अनाउंस कर दियो मैं हरामी हूं, तो हर कोई पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा ना कि तुमसे अच्छा ये हरामी है, या तो दूर हो जाओ, या हम इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, या हम इसको ग्रुप एक्टिविटीज में डाल सकते, या हम इसे कभी इंटीमेसी में एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते. तुम पहले ही आइसोलेट हो गए. असली हरामी तो भाई इंटीग्रेट कर जाता है ना सब में साथ, वो कमीलियन हो गया ना. जैसे ये हो गया, इसने बिहेवियर देख लिया पूरे रूम का, इसने क्रिटिसिज्म भी ड्रॉ कर लिया, इसने इंटीग्रेट करना भी सीख लिया. ये अभी लॉन्डो के साथ बैठेगा तो लॉन्डो वाली बकरचोदी भी कर लेगा, फिर जब ये दूसरे रूम में जाएगा तो वहां पे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज भी कर लेता है कि यार न्यूट्रल यू नो उसमें आ जाता है सिमुलेशन में अपने दिमाग में कि भाई मैं यहाँ पे न्यूट्रली प्ले करना है, मुझे डेटा कलेक्ट करना है. ऐसे बनो को लगता है ये बताऊं, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम बेटर देन देम. इन लोगों की दिक्कत बताऊं क्या है, ये लोग अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकले. इनको तकलीफ होती है अपने कंफर्ट जोन से निकलने की. ये इतने ज़्यादा खुश हो चुके हैं ना, जो स्कूल में ये लोग बेंचों क्लास में बिल्कुल लास्ट में बैठ के जो बकचोदी करते थे, उसमें जो कंफर्टेबिलिटी आती थी, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, सब हो जाएगा, उसी चीज़ की वजह से आज तक ऐसे ही है. बताओ. और वो वही बात मैं कह रहा था कि ये इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन थ्राइव विद. ये तब तक ही कंफर्टेबल है जब तक तुम्हारे वो चार दोस्त बकलोल जो तुम्हारे साथ बैठे हैं. लेकिन बात है कि तुम्हें एक दिन तो जिंदगी में घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, दोस्तों के बियॉन्ड. अन्न कमाना होगा ना एक दिन, गार खरीदने की सोचनी होगी, गृहस्थी चलानी होगी, माता पिता का ख्याल रखना होगा. वो एनवायरनमेंट छोड़ना पड़ेगा तुम्हें. तो उस एनवायरनमेंट को सिक्योर रखो, वो घर पे है लेकिन घर से निकलना है तुम्हें. एक दिन तुम्हें किसी ऑफिस में काम करना है, किसी के दुकान पे काम करना है, अपनी खुद की दुकान खोलनी है तुम, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हो, अगर तुम ऐसे गलीच तरह की हरकतें करो तुम्हारे नीचे वाले. आजकल तो भाई लोग वीडियो बना लेते हैं, रिकॉर्डिंग्स लीक कर देते हैं, चैट्स लीक कर देते हैं. भाई वो टाइम आ गया जहाँ पे तुम अगर हराम बनने जो कर रहे हो, तुम्हारे एक्सपायरी डेट है बेटा, एक दिन एक्सपोज जाओगे पूरे, फिर तुम्हारे अर्णब गोस्वामी माँ चौधरा होगा तुम्हारी बैठ के. क्या होना चाहिए था, अगर आप ऐसे ग्रुप में हो तो आप नहीं बच सकते, आप ही ऐसे बन सकते हो. आपको अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो यही है कि आपके पापा का हो जाए तबादला. आपके पापा ने ली घूस, आपके पापा का कर दिया बिहार ट्रांसफर गुस्से में, तभी आप बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते आप. या फिर आ गई आपके घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आप नहीं जा सकते अब स्कूल, तभी बच सकते हो आप. ओके, आई लाइक दिस वीडियो, ग्रेट वीडियो. और अगर इसने पूरे इम्प्रोवाइज किया है, फकिंग एपिक परफॉर्मेंस. इस बंदा डिजर्व्स टू बी, इसको एटलीस्ट नेटफ्लिक्स और अमेजोन पे जितना मैंने देखा, ये बहुत गजब परफॉर्मेंस है, बहुत गजब ऑब्जर्वेशनल यू नो स्किल्स भी हैं, जोक्स भी टाइम पे थे, अगला एक्टिंग भी बढ़िया कर रहा है. दिस पर्सन शुड परस्यू तुम्हारा कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी.